हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मौलिम के हिस्से से आपके सामने हैं और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास। तो प्यारे बच्चों और अजीज तलबा, मैं आप लोगों को ऑनलाइन ही के माध्यम से उर्दू पढ़ाने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोग भी ध्यान जमाए हुए होंगे और किताब कलम कॉपी पेंसिल को अपने साथ रखे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखें और ध्यान से देखें और समझिए, समझ कर पढ़िए। जो समझ के नहीं पढ़ते हैं वो बेकार है। ध्यान लगा करके मन तन धन के साथ पढ़ें। तो आपको इससे पहले पढ़ा चुका था चैप्टर नंबर 7 पहली किरण। ऐ बच्चों, मैं सूरज की पहली किरण हूं। तो आज वो तो आप अपना टास्क भी बना लिए होंगे, पढ़ भी लिए होंगे, सब कुछ कर लिए होंगे। ये जबानी है, जबानी याद कर लिए होंगे क्या? आप लोग जबानी किए हैं तो अभी कमेंट में जरूर लिख करके भेजेंगे। ठीक है, हमें पता चलना चाहिए कि कौन कौन से बच्चे हैं जो इस नजम को जबानी याद किए हैं, जरूर कमेंट करके भेजेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप चैप्टर नंबर 8 खोलिए, यानी 8, चैप्टर नंबर 8, सफा नंबर 8। तो लिखा हुआ खेल और खिलौने, लिखा हुआ है खेल और खिलौने। क्या लिखा है? खेल और खिलौने। मेरा नाम राफिद है। क्या है? मेरा नाम राफिद है, तीसरी जमात में पढ़ता हूं। यानी आप लोग भी तीसरी जमात ही में पढ़ते हैं ना, तीसरी क्लास में, यानी 3 क्लास में 3 क्लास में उसी को बोल रहे हैं। मेरा नाम राफिद है, मैं तीसरी जमात में पढ़ता हूं। मैं तीसरी जमात में पढ़ता हूं, यानी 3 क्लास को तीसरी बोलते हैं उर्दू में। ठीक है, तीसरी जमात में पढ़ता हूं। मेरे पास बहुत से खिलौने हैं, मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं, बहुत से खिलौने हैं। मैं स्कूल से आने के बाद उनसे खेलता हूं। मैं स्कूल से आने के बाद उनसे खेलता हूं। मेरे पास एक तमंचा है। तमंचा का ठाए ठाए करते हैं जो बंदूक है ना, ये खिलौना नहीं तो बंदूक का वही। उसको मैं कार पे लगा कर छोड़ता हूं, यानी कारतूस यानी गोली छोड़ता हूं। बड़े जोर की आवाज निकलती, बड़े जोर की आवाज निकलती है, फट फट फट। तुम तो सुनो तो डर जाओगे। क्या? फट फट फट। तुम तो सुनो तो डर जाओगे। क्या कर जाओगे? डर जाओगे। मेरे पास रंग बिरंग गुब्बारे भी हैं। मेरे पास रंग बिरंग के गुब्बारे भी हैं। मैं मुंह से फूंक कर इनमें हवा भरता हूं। मैं मुंह से फूंक कर इनमें हवा भरता हूं। वह फूल कर बड़े हो जाते हैं। वो फूल कर क्या होते हैं? बड़े हो जाते हैं। फूंक से गुब्बारे किसे बोलते हैं? जिसको हम और आप बोलते हैं फोकचा को, समझे? हम लोग देहाती लफ्ज में क्या बोलते हैं उसको? फोकचा बोलते हैं। गुब्बारे भी हैं, मैं मुंह से फूंक कर उनमें हवा भरता हूं। वो फूल कर बड़े हो जाते हैं। वो फूल कर क्या होते हैं? ऐसे सुखड़ा हुआ था, हवा जब देते हैं वो फूल करके बड़ा हो जाता है, सेब की तरह, कद्दू की तरह हो जाता है ना, और उसमें हवा घुसा करके एक क्या कहते हैं, सेब के डिजाइन भी बना लेता है। बहुत तरह तरह का डिजाइन उसमें बनता है। वो फूल कर बड़े हो जाते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। क्या? बड़े अच्छे लगते हैं।
जरा सी हवा चले तो उड़ जाते हैं, जरा सी हवा चले तो क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, और फिर हाथ नहीं आते, फिर हाथ नहीं आते। एक लट्टू भी है, क्या एक लट्टू भी है, लट्टू पर डोरी लपेट कर, डोरी ये लट्टू होता है, लट्टू में डोरी लपेट कर नचाता हूं, यानी नचाता हूं घुमाता, नचाने घुमाना, नचाने के माने क्या, घुमाना घुमाना। एक छोटी सी रबड़ की गेंद भी है, एक छोटी सी रबड़ की गेंद भी है, लकड़ी का एक बल्ला है, क्या लकड़ी का एक बल्ला, क्रिकेट का ठा, आप लोग भी बच्चे हैं खेलते होंगे, लकड़ी का एक बल्ला है, मैं और मेरा दोस्त गेंद, मेरा दोस्त गेंद बल्ला खेलने के लिए मैदान में जाते हैं, मेरा दोस्त गेंद बल्ला खेलने के लिए कहाँ जाते हैं, मैदान में जाते हैं, वो बड़ा मैदान है, वो क्या है, बड़ा मैदान है, हर तरफ वहां बच्चों के खेलने के, क्या खेलने के लिए मुख्तलिफ किस्म की चीजें लगी हुई हैं, हर तरफ वहां बच्चों के खेलने के लिए मुख्तलिफ किस्म की चीजें लगी हुई हैं, वहां एक फिसलन है, फिसलन समझते हैं कि आपके स्कूल के अंदर स्कॉटिश के अंदर भी एक फिसलन है, ऐसे सीढ़ी की तरह आता है, स्लोपिंग रहता है, इसमें बैठता बच्चा फिसल करके नीचे आ जाता है, उसको फिसलन बोलते हैं, है ना, आप तस्वीर भी देख लीजिए बच्चा फिसल रहे हैं, आपके चैप्टर नंबर 80 के इसमें है तस्वीर बनाया हुआ, देखे उसी को फिसलन बोलते हैं, फिसलन पर सीढ़ी लगी है, सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाते हैं, सीढ़ी से ऊपर हम चढ़ जाते हैं, ऊपर से फिसलते हैं, आग झपकते नीचे आ जाते, आग झपकते ही नीचे आ जाते हैं, ऊपर से फिसलते हैं, आग झपकते नीचे आ जाते हैं, फिसलने में मुझे बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, चोट बिल्कुल नहीं लगती, चोट बिल्कुल नहीं लगती, इस मैदान में एक शीशा भी है, क्या एक शीशा भी है, इस मैदान में, इस पार्क के इसमें मैदान में खिलौने के इसमें एक शीशा भी है, शीशा लकड़ी के लंबे तख्ते से बना है, क्या शीशा एक लंबा ये लकड़ी के लंबे तख्ते से बना है, तख्ते के दोनों सरों पर मैं और मेरा दोस्त बैठ जाते हैं, देखते हैं कि एक तख्ता का एक है शीशा है इस तरह है तराजू की तरह, इधर भी एक बच्चा बैठ जाए एक बच्चा इधर बैठ जाए तो क्या हो जाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कर देता है ना, कभी ये ऊपर तो कभी ये ऊपर, कभी ये ऊपर तो कभी ये ऊपर, कभी ऐसे होते रहता ना, उसको शीशे बोलते हैं ना, शीशा, शीशा लकड़ी के लंबे तख्ते से बना है, तख्ते के दोनों सिरों पर मैं और मेरा दोस्त बैठ जाते हैं, क्या तख्ते के दोनों सिरों पर मैं और मेरा दोस्त बैठ जाते हैं, फिर दोनों जोर लगाते हैं, फिर दोनों क्या कर लगाते हैं, जोर लगाते हैं, मेरा दोस्त बहुत ही ताकतवर है, मेरा दोस्त बहुत ही ताकतवर है, वो उसको दो कूद क्या करता है, उसको उसको दबा लेता है, उसको दबा लेता है, वहां एक झोला भी है, क्या उस वहां एक क्या कहा, उसका उसका दोस्त को दबा लेता है, यानी वजन कम कर लेते, ये कर लेते, उसको नीचे कर देते हैं, वो ऊपर हो जाते हैं ना, मेरा दोस्त बहुत ही ताकतवर है, वो उसको दबा लेता है, अच्छा वहां एक झूला भी है, हम दोनों उस पर झूलते हैं, हम दोनों उस पर क्या करते हैं, झूलते हैं, ऐसे करके देखे ना झूलने का, झूलते हैं, झूला आपके स्कॉटिश स्कूल में भी है, झूलने का फिसलन भी है, शीशा भी है ना, झूला जब ऊपर से नीचे आता है तो सीने में गुदगुदी सी होने लगती है, क्या होती है, सीने में गुदगुदी सी होने लगती है, इस मैदान में कभी हम दोनों में और मेरा दोस्त दौड़ का मुकाबला करते हैं,
इस मैदान में कभी हम दोनों में और मेरा दोस्त दौड़ का मुकाबला करते हैं, मैं मुकाबला में आगे निकल जाता हूँ, मैं मुकाबला में आगे निकल जाता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा पतला हूँ। पतला बच्चा फुर्तीला होता है, वो आगे तेजी से निकल जाता है ना। मम्मी मम्मी आप भी सुन लो, राफिद ने कहा मुझे एक टांग की दौड़ भी आती है। राफिद ने कहा एक मुझे टांग की भी दौड़ आती है, एक पांव ऊपर करके एक पांव में दौड़ना, उसको कहते हैं एक टांग की दौड़। उस दौड़ में एक टांग और ऊपर उठाए रखते हैं, अच्छा एक टांग ऊपर उठाए रखते हैं, ठीक है एक टांग ऊपर उठाए रखते हैं, फिर दौड़ लगाई जाती है। उसके अलावा मुझे तीन टांग की दौड़ भी आती है। उसके अलावा आप लोगों को आता है क्या, तीन टांग की दौड़ है आपके पास? तीन टांग नहीं है, दो ही टांग है ना। कैसे दौड़ते हैं देखिए, पढ़िए। तीन टांग की दौड़ भी आती है, मम्मी ने कहा बेटा वो कैसी? राफिद हंस पड़ा। कहा मम्मी ने कहा वो कैसी? राफिद हंस पड़ा। देखिए मम्मी, वो लड़के पास पास खड़े हो जाते हैं, दोनों लड़के आपस में खड़े हो जाते, बिल्कुल सट के खड़े हो जाते हैं, ठीक है। राफिद हंस पड़ा। देखिए मम्मी, वो लड़के पास पास खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे की गर्दन में हाथ डाल लेते हैं, एक दूसरे की गर्दन में हाथ डाल लेते हैं, दोनों की एक एक टांग मिलाकर बांध दी जाती है। ये तीन बच्चे हैं तो छह हो गया, तीन पांव बांध दिए, ठीक है। एक दूसरे की गर्दन में हाथ डाल लेते हैं, दोनों की एक एक टांग मिलाकर बांध दी जाती है, एक एक टांग खुली रहती है, एक एक टांग क्या रहती है, खुली रहती है। इस तरह दोनों लड़के तीन टांगों से दौड़ते हैं, इस तरह दोनों लड़के तीन टांगों से दौड़ते हैं। इस दौड़ में बड़ा मजा आता है। क्या कहता है, बड़ा मजा आता है। किसी किसी वक्त हम अंधे भैंसे का खेल भी खेलते हैं। वह इस तरह के हम एक लड़के की आंख पर पट्टी बांध देते हैं, जिसको आंख मचोली कहते हैं, आंख में पट्टी बांध दिया समझे, और उसके हाथ में सामान कुछ दे दिए और दूर लेके फेंक दिए और कहा दूर में जाकर के आंख खोलो और उस सामान को खोजो, उसी को कहते हैं ना। आंख पर पट्टी बांध देते हैं और हाथ में कोई चीज रख देते हैं, हेर फेर करके रास्ते से ले जाते हैं, यानी इस रास्ते से ले गए, दूसरे रास्ते से लेकर के आ गए और उसको कहेंगे सामान खोजो। हेयर फेयर करके रास्ते से ले जाते हैं, इसके हाथ से चीज रखवा देते हैं, आंखों पर पट्टी बांधी रहती है, दूर ले जाकर पट्टी खोल देते हैं, दूर ले जाकर के क्या करते हैं, पट्टी खोल देते हैं, फिर वह अपने हाथ की रखी चीज ढूंढता है, फिरता है। इसी तरह से हम दोनों बहुत से खेल खेलते हैं, खेल में हम झूठ नहीं बोलते ना बेईमानी करते, खेल के बाद खेल का सामान संभाल कर रख देते हैं, खेलने के बाद क्या है, खेल खेलने के वक्त हमें और आपको झूठ बोलना नहीं चाहिए, ये अच्छा आदत नहीं है। खेल खेलने के बाद हम लोग आपस में क्या करना चाहिए, जितने भी खेल के सामान होते हैं उसको उठा करके एक जगह जमा कर देना चाहिए, फिर दूसरे रोज खेलने के वक्त कोई दिक्कत का सामना ना करना मुझे पड़े या आपको पड़े।
गए सामान उठाए और फिर दोबारा खेलने चले गए। अगर आप सामान उठा के नहीं रखेंगे तो क्या आ जाएगा, सामान खोजना पड़ेगा, परेशानी होगी, ढूंढो, टाइम वेस्ट, ठीक है। तो प्यारे बच्चों लिखे हैं माना और इशारा, आगे देखते हैं क्या क्या लिखे हैं। माना और इशारा, तमंचा, छोटी पिस्तौल, बाजार, क्या लिखे हैं, छोटी पिस्तौल, तमंचा क्या, छोटी पिस्तौल, बंदूक, आंख झपकना, आंख झपकना, जल्दी से, आंख झपकना मैंने जल्दी से, आंख झपकना मैंने जल्दी से, अंधे भैंसे, अंधे भैंसे के माने, अंधे भैंसे के माने, बच्चों का एक खेल जो पट्टी बांध कर खेलते हैं, बच्चों का एक खेल जो पट्टी बांध कर खेलते हैं, हियर फियर, गर्दिश अदल बदल, गर्दिश अदल बदल, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, आज का सबक आपका यहीं तक रहा। खुदा हाफिज, दुआ में याद रखेंगे, अस्सलाम वालेकुम।